जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाना चाहते हैं, कोई भी 3 सवाल या 4 सवाल आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी जन्म पत्रिका से आपका सवालों का समाधान किया जाएगा। किसी से भी संबंधित सवाल हो सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो के बारे में। हमारा जो विषय है, सब्जेक्ट है आज, वो है आंवला। आंवला कैसे हमारा शारीरिक धार्मिक विकास करता है, अधिकांशतः लोग जानते होंगे। इसकी महिमा शास्त्रों में वर्णित है। इसकी उत्पत्ति माना जाता है कि आंवला एकादशी, अधिकतर लोग व्रत करते होंगे एकादशी का। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। उसमें एक आती है आंवले की एकादशी। उस दिन आंवले का प्रकट्य हुआ था, अर्थात भगवान विष्णु ने जो थूका था उससे पैदा हुआ था आंवला। भगवान विष्णु से मुख से उत्पन्न हुआ था, इसलिए परम पवित्र परम तेज में माना जाता है। अब देखिए, कुछ शास्त्रों में जो वर्णित है मैंने यहाँ अपने पास नोट किया है, प्रैक्टिकल करके देखा है, प्रयोग करके देखा है, पाया है, तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं इसकी बारे में। देखो, लक्ष्मी हर किसी को पसंद है। पहली जरूरत भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी से ही हर तरीके का सुख आज के समय में मिल पाता है। बच्चों को हायर स्टडीज करवानी हो, खुद पढ़ना हो, आगे पढ़ना हो, मकान वाहन का सुख सब लक्ष्मी से ही संपन्न है। सुख सौभाग्य भी लक्ष्मी से ही संपन्न है। देखा जाए तो रिश्ते भी जो होते हैं, मित्र भी जो होते हैं, वो लक्ष्मी पे ही निर्भर करते हैं, हम सभी जानते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आंवले के बारे में। भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, परम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप आंवले का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी मदद करेगा। आंवला ऐसा फल है, आंवला ऐसा वृक्ष है, जिसका सेवन करने से या होने से, अगर आपके घर में आंवला है तो आपके पास में धन भी उपस्थित रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी रहेगा, मतलब हेल्थ भी और वेल्थ भी दोनों। और आंवले की खेती की जा सकती है, किसान बांधवगण करते होंगे, कर रहे होंगे, लाखों की आमदनी हो जाती है आंवले से। आंवले से शास्त्र में वर्णित है कि आंवले से स्पर्श करने से, आंवले के दर्शन करने से, आंवले को प्रणाम करने से, आंवले का सेवन अर्थात जूस या रस रूप में आप कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा आप खा सकते हैं, मतलब आंवले को आप किसी भी रूप में सेवन करें, स्पर्श करें, दर्शन करें, पूजा करें, तो उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मतलब दर्शन करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको शास्त्र में जो वर्णित कथा है वो बता देता हूं कि एक समय की बात है, प्राचीन काल की बात है। कोई मतलब चोर होता था, चोरी करना उसका पेशा था। चोरी के लिए वो अपने पड़ोसियों को लूटता था, पड़ोसियों को पता चला तो वहां से उसको भगा दिया, वो गांव में चला गया, दूसरे गांव में वहां लूटने लगा। अब जैसे गुजारा नहीं होता था तो राह में आए हुए राहगीरों को मार देता था और धन लूट लेता था। ऐसे ऐसे जब उसकी मृत्यु का समय आया तो जो पार्षदगण होते हैं यमराज के, वो आ गए यमदूत वहां पर उसको लेने के लिए। तो जैसे ही वो आए तो जिस दिन उसकी मौत लिखी थी उस दिन वो मतलब चोरी कर रहा था, चोरी करके वो किसी की वजह से मारा जाता हो तो आंवले के वृक्ष पर चढ़ गया। वो
आंवले के वृक्ष पर चढ़ने के बाद, भूख लगनी होने के बाद में उसने कुछ आंवले खा लिए। अब उसका समय हुआ, किसी वजह से पेड़ की डाली टूटी, घटना तो घटित होनी थी, मृत्यु का कोई ना कोई कारण तो बनना था, तो वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसके प्राण निकले। तब जो यमदूत थे वो पास बांध कर उसको ले जाने की तैयारी कर रहे थे, जैसे ही वो मरा तो उसके जो तेज था उसका तेज यमदूत के गण देख नहीं पा रहे थे उसको, इतना अद्भुत तेज हो गया था। और वहां पे विष्णु जी के पार्षद आए, बोला कि इसने आंवले का सेवन किया है जो भगवान विष्णु से उत्पन्न है, तो इसके जो दोष थे, जो पाप थे, वो नष्ट हो चुके हैं, अब इसके कोई भी पाप शेष नहीं है, तो आंवले का ये प्रादुर्भाव है, ये विशेषता है आंवले की। इतना पाप करने के बावजूद भी वो सुरक्षित रह गया। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम अधिकतर सभी सेवन करते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा ही प्रश्न कार्तिकेय जी ने भगवान महादेव से पूछा था कि भगवान, लोग तो अधिकतर सेवन करते हैं पर उनको ऐसा होता क्यों नहीं है। तब महादेव ने कहा था कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि भाई आंवला इस तरीके से भी महत्व रखता है, आपके पाप मिटा देता है। अब तो मैंने आप लोगों को साझा कर दी है ये ज्ञान जो मैंने शास्त्रों से लिया था। अब आगे शुरू करते हैं। तो अगर आप इस पे जल चढ़ाते हैं, यदि आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, धन वृद्धि होती ही रहेगी, सुख सौभाग्य आरोग्य की प्राप्ति होती रहेगी, तो आप इसमें नित्य प्रति जल चढ़ाइए। अगर वैसाख, कार्तिक और श्रावण का महीना है, वैसाख महीना है, कार्तिक महीना है, माघ महीना है, ये भगवान विष्णु के प्रिय महीने कहे जाते हैं, इसमें चढ़ाइए, अद्भुत लक्ष्मी की वृद्धि होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, मतलब हर तरीके का सुख आपको मिलने लग जाएगा। दूसरा, आंवले का सेवन करने से किसी भी रूप में आप सेवन कीजिए, विलक्षण तेज हो जाता है, स्फूर्तिदायक होता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, यानी इम्यून सिस्टम जबरदस्त कर देता है, गर्मी खत्म करता है। अगर पेट में एसिडिटी हो, गर्मी हो, जिससे पौड़े खून से निकलते हैं, वो शांत हो जाती है, खत्म कर देता है, ब्लड प्योरीफायर, रक्त साफ करता है, दिमाग मेंटल एबिलिटी जो है उसको विकसित करता है, डेवलप करता है, आंखों की रोशनी के लिए, हार्ट के लिए रामबाण है, घुटने की तकलीफ में भी आपको आराम दे देगा। जिसके राहु केतु पीड़ा दे रहे हैं, राहु केतु की दशा चल रही है, तो उसको राहु, उसको आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। अब बात करें परिक्रमा कैसे लगाते हैं, कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, तो जो शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों वो है 28 या 108 परिक्रमा इसकी आप लगा सकते हैं। दूसरा फायदा है, नौ ग्रहों को संतुलित करता है, नौ के नौ ग्रह है उसको संतुलित कर देगा, क्योंकि धन की प्राप्ति होती है, दूसरा भाव संतुलित हो जाएगा, और वाणी में ओज भर देता है, तेज भर देता है, वो भी दूसरे भाव से संबंध रखता है। गुरु और शुक्र बारवा भाव भी आपका ये मजबूत कर देगा, क्योंकि वो बारवा भाव देखा जाए तो गुरु और शुक्र दोनों का वो घर है, कारक घर है, तो आंवले से भगवान नारायण खुश होते हैं जो कि स्वामी होते हैं गुरु के, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, स्वामिनी होती है शुक्रदेव की, शुक्र ग्रह की, भाग्य की भी स्वामी गुरु होते हैं, पंचम के भी कारक सूर्य और ये गुरु होते हैं, बुधवाणी का कारक है आंवला, हरियाली से संबंधित है तो चंद्रमा बुध, मतलब सभी के सभी नौ के नौ ग्रह को आप संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं आंवले की मदद से। यदि आप भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाते हैं, मतलब आंवले का भोग ऐसे कि आंवले का मुरब्बे का भोग आप लगाइए,
भगवान नारायण प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी जी की वृद्धि होगी, धन का आगमन होता रहेगा जबरदस्त तरीके से। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको धन मिल जाएगा, चाहे किसी भी भाव की दशा चल रही हो, किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो। माता दुर्गा को भी यदि आंवले का भोग लगाया जाता है तो परम सुंदरता अद्भुत स्वरूप प्राप्त होता है, सुंदरता अद्भुत हो जाती है। यदि कोई भूत प्रेत से भी परेशान है, नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, भूत प्रेत से परेशान है, तो उसको भी आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवले को जब आप प्रातः नहाते हैं उसके जल में थोड़ा सा आंवले का रस आप डाल सकते हैं, अद्भुत होगा। बालों के जो आपके बाल झड़ते हैं, रूखापन है, वो दूर हो जाता है निरंतर आंवले के उपयोग से। और वो कहना तो क्या है, स्नान में अगर आप करते हैं आंवले के रस से तो अद्भुत लक्ष्मी की प्राप्ति होती, अनवरत लक्ष्मी की प्राप्ति होती, आरोग्यता की प्राप्ति होती, काया निरोगी हो जाती है। और बात करें कब ग्रहण नहीं करना चाहिए आंवला, ये भी शास्त्र में बताया गया है। तो आंवला जो है वो रविवार और द्वादशी तिथि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे काफी कुछ और तिथियां भी होती हैं जब से ग्रहण नहीं करते, लेकिन ये मेन है द्वादशी तिथि और रविवार को ग्रहण नहीं करना चाहिए। आंवले का आप तेल लगा सकते हैं, आंवले का रस पी सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले की सब्जी खा सकते हैं या सूखा आंवला भी खा सकते हैं, कुछ भी आप खा सकते हैं, किसी रूप में आप खा सकते हैं। अब देखो इसका धार्मिक महत्व और क्या बताया महादेव ने, उन्होंने कहा यदि आंवले के वृक्ष के नीचे या सम्मुख बैठकर माला का जाप किया जाता है तो एक माला 10 माला के बराबर फल देती है। कहने का मतलब यह है कि एक माला आपने जपी वो 10 माला के बराबर फल दे देगी आप। तो ये है आंवले की कहानी, ये है महिमा, एक आंवला सब कुछ दे देगा आपको। नौ के नौ ग्रह बैलेंस इसने कर दी है, 12 के 12 भाव, जिसमें कि प्रथम भाव जो लग्न होता है, जो आपका स्वभाव होता है, जो लोग आपको देखते हैं चेहरा एक्टिव, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। आंवले को आप शुद्ध जल में डालकर उसको गर्म करिए और उसकी जो भाप निकलती है गर्म पानी की जल की, उसको आप अपने मुंह पर लीजिए 2-4 दिन और फिर देखिए आपकी कायाकल्प कैसे होती है, करके देखिए चमत्कार हो जाएगा, प्रत्येक प्रयोग आप भी करके देख सकते हैं। तो ये थे आंवले के बारे में। अगर जिसके पास में जमीन हो वो अगर अपने खेतों के चारों तरफ आंवला उगाता है तो पैदावार भी अच्छी होती है, आंवले से आमदनी भी लाखों में पहुंच जाती है, करके देखिएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।